सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, अगर आप एक गेमर हो, एक पबजी प्लेयर हो और आप भी चाहते हो अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो और उस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, सो गाइज ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से अपने फ़ोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करने को नहीं बोलूँगा आपको, आपको मैं ऑफिशियल जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसके थ्रू आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। गाइज आपने बिल्कुल सही सुना, आप यूट्यूब एप्लीकेशन से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है। और गाइज अब चलते हैं फ़ोन स्क्रीन पे, मैं आपको बताऊँगा आपको किस तरीके से यूट्यूब एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको अपने गेम्स जो है लाइव स्ट्रीमिंग करने हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं फ़ोन स्क्रीन की ओर। सो गाइज सबसे पहले हम यहाँ ओपन करेंगे अपनी YouTube एप्लीकेशन को, और यहाँ पे देखिए मैंने चैनल पे जो है लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे है प्लस का निशान, तो इस प्लस के लोगो पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन ओपन होके आएंगे। तो यहाँ पे हमको करना है लाइव, तो इस लाइव को हम करेंगे सिलेक्ट, और लाइव सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसी लोडिंग होगी गाइज। सो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको ये जो ऊपर निशान आ रहा है ये लोगो, इस पर आपको करना है क्लिक। सो यहाँ पे आपको देखिए क्रिएटेड टाइटल रिक्वायर्ड है, आपको आपको टाइटल देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहें, जैसे कि मुझे देना है पबजी लाइव, तो इस तरीके से आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और यहाँ पे लाइव स्ट्रीम आपको पब्लिक करनी है अनलिस्टेड, तो फिलहाल मैं इसको अनलिस्टेड कर लेता हूँ। तो आपको पब्लिक करनी है, आपको पब्लिक को दिखानी है, तो यहाँ पे गेम टाइटल आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे मैं प्लस के निशान पे करूँगा क्लिक, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पबजी PUBG। तो देखिए ऊपर आ गया सबसे ऊपर प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से हमारा जो है एक ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का, नीचे करते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से थोड़ी लोडिंग होगी गाइज। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट, तो हमको लैंडस्केप में ही जो अपना गेम है वो चलाना है इस तरीके से। सो मैं लैंडस्केप ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे आता है थंबनेल सेलेक्ट करने के लिए, ये ऑटोमेटिक से आपके यूट्यूब चैनल का बैनर देखिए सेलेक्ट कर लेता है। तो आप अगर आपको थंबनेल लगाना है तो यहाँ पे देखिए पेंसिल का निशान भी है, तो पेंसिल के निशान पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है अपलोडेड थंबनेल, तो अपलोडेड थंबनेल पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे आपको जो भी थंबनेल लगाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मुझे ये लगाना है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आपको देखिए अपलोड हो जाएगा थंबनेल। सो गाइस जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो आपका अब ये थंबनेल जो होगा आप कैसा भी थंबनेल लगा सकते हो। यहाँ पे करते हैं हम नेक्स्ट, और यहाँ पे आपसे कुछ टिप्स आपको देगा, तो इसको कर देते हैं गॉट इट, और स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट नाउ। देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैमरा फेस कैम आप यहाँ से कर सकते हो, सबसे अच्छी बात यही है गाइस इसमें। सो गाइस जो भी आपको अपना गेम जो है स्टार्ट करना है वो आपको ओपन कर लेना होगा यहाँ पे। सो मैं चलिए यहाँ पे चलाता हूँ पबजी मोबाइल को, यहाँ पे देखिए ये रहा पबजी मोबाइल, इसको ओपन करेंगे हम। सो गाइस यहाँ पे मेरा पबजी मोबाइल देखिए ओपन हो रहा है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं फ़ोन से बढ़िया लाइव स्ट्रीमिंग। यहाँ पे फेस कैम भी आ रहा है देखिए इस तरीके से। सो गाइस जब तक मेरा पबजी मोबाइल स्टार्ट होता है तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गो लाइव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे गो लाइव पे, तो तब आपकी जो स्क्रीन है फ़ोन की वो लाइव हो जाएगी और आपके YouTube चैनल पे वो लाइव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस देखिए आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी, और ये है हमारा फेस कैम कैमरा, आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पे ला सकते हो। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक कॉर्नर में इसको सेट कर दूंगा। देखिए गाइस में ध्यान ये रखना है कि ये सेल्फी कैमरा से वर्क करता है, तो अगर हम इस तरीके से खेलते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी उंगली जो है सेल्फी कैमरा पे ना आए, ताकि कुछ इंटरप्शन ना हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन है, जिससे कि आप अपना जो ये लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा है इसका साइज बड़ा एंड छोटा कर सकते हो। देखिए अभी कितना छोटा हो गया है, और इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस ये हो गया हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का कैमरा, तो इसको करते हैं बैक। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन, तो यहाँ पे हम कर देंगे गो लाइव। देखिए यहाँ पे लिखा है गाइस गोइंग लाइव। सो एज योर स्ट्रीम हैज स्टार्टेड, अब जो आपकी स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जितने व्यू करेंगे लोग वो यहाँ शो हो जाएगा, और जितने लाइक्स आएंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो शुरू हो चुकी है। अब आप यहाँ पे जो भी गेम खेलेंगे वो आपका लाइव स्ट्रीम होगा आपकी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपको अपना शो नहीं करना है कैमरा, तो आप इस तरीके से फेस कैम अगर आपको नहीं करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना, जिससे कि आपका फेस कैम हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कैमरा आ रहा है मेरा, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब का लॉगो आ जाता है। तो इसको आप मतलब इस सेटिंग को आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको फेस कैम नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको माइक जो है बंद करना पड़ जाता है, तो इस माइक के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो ये म्यूट हो जाएगा, मतलब आपकी साउंड वहाँ तक यूट्यूब चैनल पे नहीं जाएगी। और ये है गाइस यहाँ पे कमेंट्स का जो ऑप्शन है, आप कमेंट्स अनेबल करना चाहते हो और डिजेबल करना चाहते हो उसके लिए है ये। ठीक है, तो अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग खत्म हो गई, जैसे आपको आपका जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग आपको करनी थी वो पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए एक बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग हैज बीन पॉज्ड। ठीक है, इस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग आप पॉज हो चुकी है। उसके बाद नीचे हम फोन स्क्रीन को नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्टॉप स्ट्रीमिंग, तो देखिए पॉज तो हो चुकी है, ये स्क्रीन आपकी शो नहीं होगी। अब आपको क्लिक कर देना है स्टॉप स्ट्रीमिंग पर, तो स्टॉप स्क्रीन कैप्चर यहाँ पे कर देंगे हम ओके, इस तरीके से दोस्तों। तो अब आपकी जो स्क्रीन है देखिए फिनिश हो चुकी है, और यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिखा देगा, कितने प्लेबैक्स हैं, कितने न्यू सब्सक्राइबर्स मिले हैं इससे, कितने टोटल वॉच टाइम आपको मिला है इससे, ठीक है, कितना ड्यूरेशन का आपका आपने करा है, और एवरेज वॉच टाइम कितने लोगों ने देखा है, इसको कर देंगे हम डन। उसके बाद दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पे ये सेव हो जाएगी, जैसे आप वीडियो अपलोड करते हो उस तरीके से ये सेव हो जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे, ताकि लोग कभी भी इसको बाद में देख सकें। तो अभी मैंने अनलिस्टेड कर रखी है, किसी को दिखाई नहीं देगी, आपको पब्लिक कर देनी है जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना गेम जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस इस तरीके से आप अपना एक लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, और आपको पता ही होगा कि अब गेमिंग चैनल्स कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक कंडीशन है, वो है 1000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए इस फैसिलिटी को ओपन करने के लिए अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में। सो गाइस 1000 सब्सक्राइबर आपको किस तरीके से करने हैं, देखिए आप जानते होंगे गेम एक्स प्रो नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जो कि बंदा क्या करता है पहले अपने सारे गेम्स को रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद एडिट करके अपने वॉइस ओवर करके तब उनको यूट्यूब पे अपलोड करता है। तो गाइस आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही आप इस फैसिलिटी को मतलब आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, और आप जो है अपने गेम्स को यूट्यूब एप्लीकेशन के थ्रू ही सीधा लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। सो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।